प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 जनवरी को मुंबई पहुंचेंगे। उनके इस दौरे को देखते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मंगलवार को इससे जुड़ी तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की। आपको बता दें, शिंदे सरकार बनने के बाद पीएम मोदी का ये पहला महाराष्ट्र का दौरा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया पहल के तहत भारतीय रेलवे कोच के उत्पादन की प्रशंसा की। इस दौरान पीएम ने कहा, ये 130 करोड़ भारतीयों की ताकत और कौशल के साथ साथ आत्मनिर्भर बनने के संकल्प को दर्शाता है। कोरोना के खतरे के बीच कोरोना के बूस्टर खुराक के लिए कोवैक्स का आज निर्णय हो सकता है। ये निर्णय केंद्रीय औषधि नियामक प्राधिकरण के एक विशेषज्ञ पैनल द्वारा लिया जाएगा। उत्तराखंड के जोशीमठ में साइंटिफिक स्टडी को पूरी कर ली गई है। इस स्टडी में 723 इमारतें असुरक्षित पाई गई हैं, जिससे पहले यह आंकड़ा 678 था। ये आंकड़ा मंगलवार को 45 और मकानों में आई दरारों से बड़ा है। देश की राजधानी दिल्ली में आज से ऑटो एक्सपो का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन 18 जनवरी तक रहेगा। इस दौरान आम जनता को 14 से 18 जनवरी तक प्रवेश की अनुमति होगी। वामपंथी नेता और तर्कवादी गोविंद पानसरे की हत्या के करीब 8 साल बाद आरोप तय किया गया है। यह आरोप 10 आरोपियों पर महाराष्ट्र के कोल्हापुर शहर की एक अदालत ने तय किया है। इन आरोपों को देखते हुए इन आरोपियों पर आपराधिक मुकदमा भी शुरू करने का आदेश दिया गया है। छात्राओं और कामकाजी महिलाओं के लिए महावारी के दौरान अवकाश के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। इस याचिका में मातृत्व लाभ कानून 1961 की धारा 14 का अनुपालन सुनिश्चित करने की भी मांग की गई है। पटना स्थित परिसर से भगवान विष्णु की 1200 साल पुरानी मूर्ति चोरी हो गई है। एएसआई पटना ने इसकी सूचना नई दिल्ली कार्यालय को देते हुए बताया कि ये घटना 25-26 दिसंबर की दरमियानी रात को हुई, जिसको लेकर विक्रम थाने में प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई है। सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को असम के अवैध प्रवासियों से जुड़ी धारा पर सुनवाई हुई। इस दौरान शीर्ष कोर्ट ने कहा कि वो नागरिकता अधिनियम में असम के अवैध प्रवासियों से जुड़ी धारा 6A की संवैधानिक वैधता की समीक्षा करेगा। इस मुद्दे पर अगली सुनवाई शिवसेना की विभाजन वाली याचिका के निस्तारण के बाद होगी। आधार कार्ड जारी करने वाला UIDAI ने दस्तावेज के भौतिक रूप से सत्यापन करने वाली इकाइयों के लिए दिशा निर्देश जारी की है। अपने निर्देश में UIDAI ने कहा कि इन इकाइयों को ऑफलाइन सत्यापन के दौरान लोगों के प्रति विनम्र रहना होगा और उन्हें उनके आधार की सुरक्षा और गोपनीयता का आश्वासन भी देना होगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।